अरे जांजगीर चांपा जिले के टेंपल सिटी खरौद के तिवारी पारा में पिछले महीने 29 तारीख को 15 साल की नाबालिग लड़की बेबी सारथी अपने घर से शाम 4 बजे बिस्किट लेने दुकान के लिए निकली थी, जिसकी लाश 15 दिन बाद जोरवा तालाब के बेशरम की झाड़ियों में मिली। अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर सिवरेनान के पुलिस के साथ जिले भर के लगभग 12 से 15 काबिल पुलिस की टीम गठित की गई, जिन्होंने अपराधी को पकड़ने के लिए दिन रात एक कर दिया और एक हफ्ते के भीतर अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि सिवरेनान में आज पुलिस थाने में इसका खुलासा किया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बेबी सारथी को बिस्किट देने के बहाने कपूर तालाब में बने अपने सुने घर में बहला फुसला कर ले गया और उसके बाद दुष्कर्म किया गया। बच्ची के चिल्लाने पर वसी दरिंदे ने बच्ची का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और लाश को बोरी में भरकर जोरवा तालाब के झाड़ियों में फेंक दिया था, के साथ कपड़े को जो उसके घर से छूट गया था उसे बोरी में भरकर अपने घर के बाउंड्री के पीछे फेंक दिया था। पुलिस की कड़ाई से पूछताछ पर अपराधी परदेसी लाल पंकज ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। बता दें कि अपराधी पूर्व में कोरबा बालकों के किसी प्लांट में काम करता था, वहां भी इसकी नियत महिलाओं के लिए साफ नहीं था। छेड़छाड़ के मामले में यह कोरबा जेल में भी जा चुका है। बच्चियों को वो छेड़छाड़ के त्योहार में या इस तरह में उनको पैसे देता था, बांटता था, उसका ही अतिरिक्त होना पाया गया। उसने उस बच्ची को फुसला करके अपने वहाँ बुलाया मकान में और उसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस करने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसने वहाँ पर हत्या कर दी और बाद में बोरे में डालकर उसको साइकिल से ले जाकर वहाँ पर डिस्पोज कर दिया, डंप कर दिया। और इसके खिलाफ ये जब प्रकरण अपने को पाया गया, उसके मकान से उस जहाँ रहता है वहाँ से उस लड़की की पेंटी और उसके चप्पल उनको बरामद हुए हैं, उसे जब्त किया गया है और उसको उसको परदेसी पंकज नाम है उसका, जिसे गिरफ्तार किया गया। इस मामले में धारा 376, 302, 201 भारतीय दंड संहिता और 4 पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ी गई है। इसे आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। नहीं, यह शुरू से ही इसका जो हम लोगों ने एक्टिविटी देखा है तो उसमें ये अकेला ही था, ये अकेले आना जाना करता, अकेले रहता था रात में अंधेरे में। पहले भी इसके खिलाफ एक इस तरह की शिकायत आई थी कि रात में वो निर्वस्त्र होकर वहाँ आसपास में घूमता है और आप लोग जब वहाँ जाएंगे तो आप लोगों को इस कैरेक्टर के बारे में और अच्छे से करीब जानकारी मिलेगी कि इसका वो नेचर ही उस तरह का कुछ नेचर का था। नहीं आया है इस मामले में फिलहाल और तफ्तीश जारी है और इसे आज न्यायालय को नहीं, ये कहना मुश्किल है क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद हम लोग उनकी उसके जो हड्डियाँ बरामद हुई थी उसे हम लोगों ने मेडिकल लीगल उस पर भी भेजा था, उसमें भी लिखा है कि वो जो जानवरों के नोचने के निशान हड्डियों में पाए गए हैं। जी, जिस प्रकार से हमारे वश में नहीं है क्योंकि हम भी अमूमन कहीं आते जाते रहते हैं आवागमन में, कई लोग इग्नोर भी कर देता है, ये नहीं समझ पाता कि वहाँ किसी इंसान की गड़बड़ी हुई। कई बार हम लोग चलते आप रोड में जाइए देखिए कितने मवेशियों के डेड बॉडी पड़े हुए हैं, बदबू भी आती रहती है अगल बगल। अमूमन ऐसा होता है कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं, कोई ध्यान नहीं दिया होगा, इसीलिए उसको ऐसा कहना है कि बदबू नहीं आई। हो सकता है आई भी होगी, कहीं भी तो आई होगी, कहीं भी किसी ने नहीं पता। वो व्यक्ति वहीं पर वो धान वो खेत की मुहानी काट के जाली लगा के अगर मछली मारने नहीं गया होता तो भी शायद उसको सांप बिल्कुल वहीं पर है जहाँ पर पेड़ कटा है वहीं पर ही जाली लगाया था, उसकी अपोजिट उधर बेशर्मियों की ढाल पे वो डेढ़ बड़ी देख लीजिए। सर, मौके पर वहाँ पर डेड बॉडी बरामद हुई तो वहाँ एक हाथ एक पैर नहीं था, क्या वो बरामद हो पाई क्या? सर, एक हाथ एक पैर नहीं था बच्चे का मौके पे, उसके बाद वो बरामद हो क्या? उसके इलाके की भी सर्चिंग हम लोगों ने पूरे आसपास में किया था, पूरा मतलब मोहल्ले से लेकर तालाब तक इतना, और मोहल्ले के अंदर भी सर्चिंग की गई थी, वो रिकवर।